पिछले टॉपिक में हमने डायनामिक्स और उसके कॉजेस, उसके इफेक्ट्स और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, फोर्स को स्टडी किया, इनर्शिया को स्टडी किया एंड लास्ट टाइम मोमेंटम को स्टडी किया। आज हमने पढ़ना है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने बेसिकली मूवमेंट के लिहाज से, मोशन के लिहाज से तीन लॉ पेश किए। सो तीनों लॉ को हम वन बाय वन रिस्पेक्टिवली स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। मीन एक कार है वो चल रही है, जब तक हम ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे, जब उसका पेट्रोल खत्म नहीं होगा वो तब तक क्या करती रहेगी? मूवमेंट में रहेगी। एक चेयर है वो चेयर तब तक वही अपनी रेस्ट में पड़ी रहेगी जब तक हम खुद उसको उठा के कहीं दूसरी पोजिशन पर चेंज नहीं कर देते। बुक टेबल पर पड़ी हुई है तो बुक वही पड़ी रहेगी, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है तो व्हाइट बोर्ड लगा रहेगा। कब तक? जब तक हम खुद इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसकी पोजीशन चेंज नहीं करते, इसे कार के सामने वाली दीवार पर लगा देते, इसे लेफ्ट पे लगा देते, राइट पे लगा देते, मीन इसकी पोजीशन चेंज नहीं करते, तब तक ये यही लगा रहेगा। इट मीन्स दैट एवरीबॉडी विल रिमेन इन दिस स्टेज, एट दिस स्टेज विल ऑल्सो रेस्ट एंड मोशन बोथ, कोई भी हो सकती है। सो बॉडी एवरीबॉडी remains in its state, rest or motion, rest or motion, until we apply an external force on it. Basically, everybody remains in its state. अब ये state कौन-कौन सी हैं? Motion की भी हो सकती है या रेस्ट की भी हो सकती है। एवरीबॉडी रिमेन इन इट्स स्टेट अंटिल वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो हमारे पास अपनी उसी स्टेट में, मोशन में है मोशन में रहेगी, रेस्ट में है रेस्ट में रहेगी। कब तक? जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते तो उस कंडीशन को क्या करते, स्टेट को क्या करेगी? चेंज कर देगी। अदरवाइज वो अपनी उसी स्टेट में रहेगी। कब तक? जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसकी एग्जांपल कुछ हम देख लेते हैं। बुक on table, book on table हो गया, chair हो गई। इसी तरह की बेशुमार एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये मैथमेटिकली के लिए हमारे पास प्रूव है और फोर्स का रिलेशन जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि फोर्स का क्या नेम है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब उसका फार्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है, ये भी हमने न्यूटन सेकंड लॉ में उसको डिस्कस करना है। तो बेसिकली हमारे पास इसको पहले हम डिस्कस करते हैं फिर इसकी डेफिनेशन करेंगे। लेट्स से वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m एंड वी अप्लाई अ फोर्स f ऑन दिस बॉडी। दिस बॉडी विल मूव and we produce an acceleration, and this acceleration produces in the direction of force. This force is applied to our body, and this body will produce an acceleration. This acceleration is directly proportional to force, and in the direction of force. And the mass of body is inversely proportional to acceleration. This is the Newton's second law of motion. We apply force
n, it will produce a acceleration a in the direction of force. This acceleration, अब second statement आएगी. First तो मैं बता दिया था force लगाई तो क्या हुआ? Force के लगाने से acceleration produce हुआ. और ये acceleration force के क्या है? Force की direction में काम कर रहा है. So second पे हमारे पास आ गया direction of force पे हो गया. अब second पे मैं कहना है कि इसमें result क्या निकला? और ये कितना है acceleration? और किस relation के साथ apply हुआ? किस relation के साथ इसके अंदर produce हुआ? This acceleration is directly proportional to apply force and inversely proportional to the mass of the body. बेसिकली हमने दो स्टेटमेंट बनाई यहां से. एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. इस से हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी बना सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास. दिस इज द टू इक्वेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. If we compare both equations left side is equal to acceleration. So, right side will also be equal. So, acceleration is directly proportional to force of m. Both equations compare. So, acceleration proportional to f over m. If we neglect, if we change this acceleration, this proportion will be equal to a constant. Acceleration is equal to constant f over m. Acceleration k f over m. K is equal to 1 and a is equal to f over m or f is equal to m a. This is the Newton's second law. मैथमेटिकल फॉर्म न्यूटन सेकंड लॉ के हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आई है वो ये है f इक्वल टू m t. ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है. यहां से देखिए हमारे पास फोर्स का रिलेशन वही जो हमने पढ़ा. ये हमारे पास असल में बेसिकली इसकी स्टेटमेंट है और ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है. ये हमारे पास आ गया न्यूटन सेकंड लॉ. अब इसके बाद हम देखें तो हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन तो निकल गई पिछले टॉपिक में. अब फोर्स किसके इक्वल है? m में. द यूनिट ऑफ फोर्स is mass का यूनिट क्या होता है? kg. acceleration का यूनिट क्या होता है? meter per second square. ये हमारे पास यूनिट बन गया इसका. लेकिन जो एक इक्वल होता है in SI the unit of force is newton. अब हमारे पास न्यूटन क्या डालना है? न्यूटन को डिस्कस करें तो हमारे पास न्यूटन की डेफिनेशन कैसे आएगी? बच्चे देखें एक बार याद रखें, हमने किसी भी यूनिट की डेफिनेशन कर दी है उसके फॉर्मूले से कर दी है. F इक्वल टू एम ए. F का यूनिट न्यूटन है, m का यूनिट केजी है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. 1 न्यूटन कब होगा? जब 1 केजी मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे. If the acceleration 1 meter per second square produced in the body of mass m, then its force
ये हमारे पास आ गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब लास्ट पे हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम स्टडी करें ये था हमारा आज का लेक्चर न्यूटन्स लॉ।